अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आज बच्चों को छुट्टी थी क्योंकि आइज़ इन्फेक्शन चल रही है कुछ, इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से ही उन्होंने ऐलान किया है कि बच्चों को छुट्टियाँ हैं 2-3 मंडे से स्कूल स्टार्ट होंगे दोबारा से। तो आज बच्चे, अभी 1:30 बज रहा है और मुझे आज पता चला है कि हमारे घर गेस्ट ने आना है। गेस्ट कौन है ये मैं, आप आगे जाके वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अभी तो मैं वेट कर रही हूँ और ना मैंने अभी तक बच्चों को बताया है कि कौन आ रहा है कौन नहीं। देखते हैं, इनकी एक्साइटमेंट भी देखेंगे। और बाकी मैंने इनको टीवी लगा के दिया, मैंने कहा ये थोड़ा सा व्लॉग वगैरह देखें। वालेकुम अस्सलाम। तो भी ये नन्ना सा बच्चा कल तो बहुत ही रो रहा था, इसकी तो तबीयत ही इतनी ख़राब थी, इसकी मेडिसिन दिलाई है तो ये चुप हुआ है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं और मैं सुबह की उठी हुई हूँ, तकरीबन 8:30 बजे उठी थी आज मैं, क्योंकि बच्चे ने स्कूल गए लेकिन इसके बाबा को भेजना था। हाँ, आज शावीर और माज गए थे एक्सरसाइज करने, बाबा के साथ जिम गए थे। तो जिम में इन्होंने एक्सरसाइज की है, वो वाली वीडियो मैं या तो शॉर्ट में लगा दूंगी तो आप उसको भी देखिएगा ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं बाकर हनी, आज मैंने इनको बाकर हनी दिया इतने अरसे बाद, इनको वैसे तो बड़ी कमरा समेटने की कोशिश तो की है मैंने, तो अभी काफ़ी हद तक अभी रहता है। बेडशीट भी सही करेंगे अभी, बेडशीट्स मेरी सारी धुलने वाली, कपड़े बहुत सारे धुलने वाले हुए। ये देखें, ये इसके काम अजीब ही होते हैं वैसे, ये जब बड़ा होगा ना ये इसको पता चलेगा कि मैं कैसा था फिर, इसलिए मैं ना इसको, ये देखें ये सोफ़ा हमेशा ऐसे ही रहता है, सोफ़े को भी साफ सफाई करेंगे सोफ़े की। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैंने जाना है किचन में। किचन में आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ और मेहमानों के लिए। तो चले आओ मिलते हैं। तैयारियाँ मेरी चल रही हैं, यहाँ पे मैंने इडली तैयार की है तो मैं बिरयानी के लिए यूज़ करूँगी चिकन की, उफ करूँगा। यहाँ पे मैं अब आलू की मां की तैयारी करने लगी हूँ, तो देखते हैं साथ साथ बच्चे भी, बच्चों ने कमरा फैलाया होगा, मैं दिखाती हूँ। मैं इधर किचन में आ जाऊँ तो कमरा ऐसे फैला देते हैं, वो देखें ये हाल है मेरे घर का। तो बताएं बंदा जाए तो कब जाएगा। जावेद मुझे देख ले तो फौरन से रोना शुरू कर देता है, मेरा मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या नहीं। इधर आती हूँ किचन में आती हूँ तो बच्चे पीछे से कमरा फैला देते हैं। चलिए देखते हैं, साथ साथ काम तो चलते ही रहेंगे। 2000 years later मैं किचन से काम करके आई हूँ तो मैंने बच्चों को थोड़ा सा डांटा, मैंने कहा आप लोगों ने कमरे का क्या हाल बनाया हुआ, इन्होंने खिलौने फैला दिए थे। मैंने इन्हें बस इतना कहा कि आज तो मेहमानों ने आना था और आपने, मैं सुबह से कमरा समेट रही हूँ लेकिन आप लोग ये मेरा गुड्डू ना तंग करने लगा हुआ। मैंने कहा राहिम इसको ना मैं सुलाती हूँ, इसको नींद आ रही है आज, इसको ना आप सुलाती हूँ। तो इन दोनों ने, ये बैटमैन और स्पाइडर मैन ने मिल के सारा कमरा इन्होंने समेट लिया और माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। मैं जावेद को संभालती हूँ, देखती हूँ उसको, तो फिर मैं बाद में बाकी की रिकॉर्डिंग करूँगी। जी तो यहाँ पे रेडी हो रहा है आलू कीमा, कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया था और अब मैंने इसमें आलू डाले हैं और जब आलू गल जाएंगे तो इसको बंद कर दिया जाएगा। तो अब इसको लो फ्लेम पे रख देते हैं, एक उबाला आने के बाद, वाला तो आ गया, इसको लो फ्लेम पे रख देती हूँ। और ये गुड्डा ना मेरे हाथ में, ये देख लें, ये मेरा गुड्डा है, ये मेरी गोद में ही है और इतना ये तंग कर रहा है जिसकी इंतहा है। बच्चे बैठे हैं अभी स्कूल से, नहा के आ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो कमरा इन्होंने खुद ही समेटा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जी तो टाइम हो गया है 6:15 हो गए, तो मैंने यहाँ पे आलू कीमा तकरीबन रेडी कर लिया, बस आलू गलेंगे और कीमा रेडी, आलू कीमा रेडी हो जाएगा।
दूसरी साइड पे देखते हैं यार, ये देखिए किचन फैला ही हुआ है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे बिरयानी का वो सब कुछ रेडी करके रख दिया है। सिर्फ मेरे पास अब राइस नहीं है, राइस आएंगे तो डलेगा सब कुछ। मैंने यखनी और चिकन और मसाला अच्छे से भून के तो सारा कुछ मैंने इकट्ठा कर दिया है। जो एंड वाला जो टास्क है मेरा चावल डालने का, वो मैंने अभी नहीं किया। तो चावल आएंगे तो डलेंगे, इसके बाबा लेके आएंगे। तो बाकी मैंने किचन समेटना था, देख लें सारे छिलके वगैरह वहीं पे रखे हुए हैं। सारा बर्तन भी अभी आधे समेटे थे, आधे वहीं पे रखे हुए हैं। तो देखते हैं इसके बाबा जब आते हैं तो फिर बाकी का काम कंप्लीट करती हूँ। रायता भी अभी बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे खीरे भी ले आई थी कि रायता भी बनाएंगे मज़ेदार सा। तो इसको भी बंद कर देते हैं यार। चलें जी, अब कमरे में चलती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जावेयार सो जाए। लाइट तो बंद ही नहीं की। हाँ जी यार, लाइट तो बंद करनी चाहिए ना, क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई है। बचत बचत करनी चाहिए, बचत करेंगे तो कुछ बनेगा। अच्छा, यहाँ पे भी फ्लेम मैं कम कर देती हूँ। तो ये देखिए शेडो आपको दिख रहा होगा, मैंने गोद में पकड़ा हुआ है और मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा गुड्डा भी कह रहा है शेडो में, तो पहले सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए कैसे मैंने लटकाया हुआ है, मैं कितनी मुश्किल से इसको पकड़ा हुआ है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें और शेयर कर दिया करें ताकि हमारी जो YouTube फैमिली है वो और बड़ी हो सके। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं गेस्ट का। क्या पूछ रहे थे, गेस्ट गेस्ट का कौन से गेस्ट आने हैं, कौन है हमें बताएं। तो जासूस तो इनको हो रहा था, तो लेकिन मैंने कहा कि आप लोग इंतज़ार करो, मुझे खुद नहीं पता। बाकी की वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगी, अभी मैं अपने गुड्डे को सुलाने लगी हूँ। तो मैंने अभी थोड़ा सा काम और करना है, मैंने बच्चों को कंप्लीट रेडी करना है। माँ नंगू सा बैठा हुआ है, बच्चों को मैं अभी रेडी करूँगी और अभी हमारे गेस्ट आ जाएंगे तो उनको भी दिखाऊँगी। हो सकता है मैं वीडियो ना रिकॉर्ड कर सकूँ, थोड़ी सी रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी, दिखाऊँगी आपको रिएक्शन की वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी कि इनके लिए क्या आने लगा, क्या सरप्राइज़ है। तो उसके लिए वेट। तो हाँ, रिएक्शन की जो मेहमानों की रिएक्शन की वीडियो जो है ना, वो मैं सोच रही हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊं, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस होता है ना, थोड़ा सा सस्पेंस आपको भी बनाना चाहिए। इस वीडियो का मैं एंड यहीं पे करती हूँ। बाकी जो रिएक्शन की वीडियो है कि मेहमानों के आने के बाद बच्चों का रिएक्शन क्या था और उनको देख के कैसा लगा और जो उनके साथ उनके उनको एक और सरप्राइज़ मिलने वाला है वो देख के उनको कैसा लगा। तो ये मेरा बेटा देख लें, ये मेरी गोद में खेल रहा है, ठीक है। तो इनकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो आप अभी फौरन से सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। ये मेरा गुड्डा भी कह रहा है, तो फिर आप मेरी वीडियो जल्दी देख सकेंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो अभी तक की वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मेरे बेटे को नींद आ रही है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।